छत्तीसगढ़ की ठगेश सरकार का एक और कारनामा सामने आया है, जिसमें छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में 18 नियुक्तियों को लेकर शासन से जवाब मांगा है। आप देख सकते हैं कि कैसे पीएससी में नौकरियों को लेकर के बंदर बांट हो रही है। पीएससी के अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी ने अपने पुत्र टामन सिंह के बड़े भाई के पुत्र, टामन सिंह के पुत्र नितेश की पत्नी, टामन सिंह सोनवानी के भाई की बहू, टामन सिंह सोनवानी की बहन की पुत्री, यानी पांच पांच रिश्तेदारों को मिल रही है सरकारी नौकरियां। इसके अलावा कांग्रेसी नेताओं ने भी नौकरियों को लेकर के बंदर बांट मचा रखी थी। आखिरकार पीएससी घोटाले में अब न्यायालय की मोहर भी लग गई है। लोक सेवा आयोग के सचिव अमृत खलको के दो पुत्र और एक पुत्री को सीधी सरकारी नौकरी, वो भी डिप्टी कलेक्टर। बस्तर के नक्सल ऑपरेशन के डीआईजी ध्रुव की पुत्री साक्षी ध्रुव को भी मिल गई नौकरी। कांग्रेस नेता के ओएसडी के रिश्तेदार, कांग्रेस नेता की पुत्री अनन्या अग्रवाल, कांग्रेस नेता सुधीर कटियार का दामाद शशांक गोयल, कांग्रेस नेता सुधीर कटियार की पुत्री भूमिका कटियार, कांग्रेस नेता के ओएसडी के साढ़ू भाई की पुत्री खुशबी बिजौरा और कांग्रेस नेता राजेंद्र शुक्ला की पुत्री स्वर्णिम शुक्ला को भी मिली सरकारी नौकरी। नौकरियों के इस बंदर बांट में ठगेश सरकार का सीधा हाथ है और प्रदेश का बेरोजगार अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। एक ओर अपनी नौकरियों को लेकर के युवा तृणमूल प्रदर्शन कर रहा है और दूसरी ओर कांग्रेसी नेता और पीएससी के अधिकारी टेबल में ही बैठकर तय कर ले रहे हैं कि किसको कौन सा पोस्ट मिलेगा। डिप्टी कलेक्टर जैसे वरिष्ठ पदों पे सीधे नियुक्तियां हो रही हैं। आखिरकार न्यायालय ने भी इसे बड़ा भ्रष्टाचार करार दिया है। चीफ जस्टिस ने पूछा कि एक अधिकारी के चार पांच रिश्तेदारों को कैसे हो गया चयन। चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच ने पीएससी से मांगा है जवाब। इनका अपॉइंटमेंट रोक दीजिए, नहीं होगा इनका अपॉइंटमेंट स्पेसिफिक लिखा देना, स्पेसिफिक इट हैज बीन मतलब लिमिट हद हो गई। प्रदेश के युवाओं को सबसे ज्यादा रोजगार देने के दावे के लिए विज्ञापन में करोड़ों रुपए खर्च कर रही है और दूसरी ओर सरकारी नौकरियां कांग्रेस नेता और पीएससी के अधिकारी आपस में बांट रहे हैं, तो ऐसे में छत्तीसगढ़ के युवाओं का भविष्य क्या होगा? क्या हर बार छत्तीसगढ़ का युवा यूं ही ठगा जाएगा? गरीब परिवार के होनहार बच्चों को कभी भी नहीं मिल सकती नौकरी? चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा के डिवीजन बेंच ने भी इस पर नाराजगी जताई। बेंच ने पीएससी के अधिवक्ता से पूछा कि एक ही अधिकारी के चार पांच रिश्तेदारों के चयन कैसे हो सकता है? छत्तीसगढ़ पीएससी में बेटे बेटियों और रिश्तेदारों को डिप्टी कलेक्टर डीएसपी बनाने को लेकर के लगी याचिका पर आखिरकार हाई कोर्ट ने भी दिखाई नाराजगी और खुला ठगेश राज का एक और बड़ा घोटाला।